सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुपर शोडाउन के एपिसोड 3 में, जहाँ आज हम कंपेयर करने वाले हैं डेडपूल और घोस्ट राइडर को, और पता करेंगे कि इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और इन दोनों के बीच में अगर फाइट होती है तो कौन जीतेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ओरिजिन की। तो सबसे पहले घोस्ट राइडर। तो घोस्ट राइडर एक मैकेनिक रहता है और वो एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में काम करता रहता है। एक दिन उसे सैलरी मिलती है और फिर वो सैलरी लेके अपने घर की तरफ चला जाता है। तब वो देखता है कि रास्ते में उसके लंगड़े भाई को कुछ लोग मारते रहते हैं। तो घोस्ट राइडर वहाँ पे जाके सबको पीटने लगता है, और फिर उसमें से एक बंदा उसके ऊपर गन एम कर देता है, और फिर उसके बाद घोस्ट राइडर वहाँ पे पीट जाता है। उसके बाद दोनों भाई मिल के घर जाते हैं, और फिर वो वापस से घर से उठ के चला आता है अपने गैरेज में, और वहाँ पे जो गाड़ी को ठीक करना था उस गाड़ी को ठीक करके वो चलाने की सोचता है, और एक रेसिंग ट्रैक पे चला जाता है जहाँ पर रेस होती रहती है, जहाँ पर रेसिंग जीतने पर उसको मिलेंगे $50,000, और अगर वो हार गया तो उसके वो कार रख ली जाएगी। कार उसकी नहीं थी, पर फिर भी वो बेटिंग के लिए तैयार हो गया, और उसके बाद रेस शुरू हुई। उसके बाद अचानक से ही सारी गाड़ियाँ एक गली में अंदर घुस जाती हैं, और वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर आ जाती है, और वो जब ये सब देखता है तो गाड़ी से उतर कर अपने हाथ ऊपर कर लेता है, बट फायरिंग होने लगते हैं उसके ऊपर और वो वहीं पे गिर जाता है। फिर उसके बाद जब वहाँ पे लोग आते हैं तो देखते हैं कि उस गाड़ी की डिक्की में ड्रग्स थे। फिर उसके बाद वहाँ पे पेट्रोल डाल के उस गाड़ी को आग लगा देते हैं। जैसे जैसे आग घोस्ट राइडर की तरफ बढ़ती है, घोस्ट राइडर जलने लगता है और वो खड़ा हो जाता है, और गाड़ी में बैठ के जिन लोगों ने उसे मारा था उसका पीछा करने लगता है। फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, फिर सुबह उठता है घोस्ट राइडर अपने बेड में, और फिर चला जाता है वो गैरेज में। तभी वो गाड़ी को देखता है और फिर से वो गाड़ी में बैठ जाता है, और तभी गाड़ी में वापस से आग लग जाती है, और फिर रात को वो गाड़ी लेके सुनसान रास्तों पर चला जाता है। और फिर तब बात होती है उसको एक आत्मा से, जहाँ पर वो आत्मा बताती है कि वो उसे भी बुरे लोगों ने परेशान किया था, और उसी ने वापस से घोस्ट राइडर को जिंदा किया था ताकि वो बुरे लोगों से बदला ले सके। तो ये थी ओरिजिन घोस्ट राइडर की। अब बात कर रहे थे डेडपूल की ओरिजिन की। एक सेकेंड, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था ओरिजिन, तो जिन्होंने नहीं देखा आई बटन पे है, क्लिक कर लो और देख लो, और अगर नहीं देखना चाहते तो ओरिजिन बता देता हूँ। वेड विल्सन को हो गया था कैंसर, वेड विल्सन यानी कि डेडपूल, तो उसको कैंसर हो जाता है, और वो एक ग्रुप ऑफ मेंबर के पास जाता है जहाँ पे उसे लगता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है, बट वो लोग ट्रीटमेंट नहीं करते बल्कि वो लोग म्यूटेंट बना देते हैं उन लोगों को जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं। तो वेड विल्सन को भी वो लोग म्यूटेंट बना देते हैं, और वेड विल्सन अपना बदला लेने के लिए बन जाता है डेडपूल। तो अब बात कर लेते हैं पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। तो सबसे पहले घोस्ट राइडर। तो घोस्ट राइडर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, जिसकी वजह से वो 5 टन्स ऑफ वेट उठा सकता है और किसी के ऊपर फेंक सकता है, और वो अपने हाथों से इतनी पावरफुल चेन बना लेता है जिसको ही ब्रेक करना बहुत ही हद तक इम्पॉसिबल है, और वो जिस व्हीकल से ट्रैवल करता है उसमें इतनी स्पीड होती है कि वो किसी भी डायमेंशन को पार कर ले और हाई स्टंट भी कर सकती है। और सबसे बड़ी उसकी जो पावर है वो है पेनेंस स्टेयर, जिसकी वजह से वो किसी की भी सोल को एब्जॉर्ब कर सकता है और गॉड लाइक पावर भी रखता है, और काफ़ी हद तक इमोर्टल है और इम्यून है हर डिसीज़। तो अब बात कर लेते हैं डेडपूल की पावर्स की। तो पिछले वीडियो में मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, जहाँ पे मैंने बताया था कि डेडपूल के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जबकि उसके पास है पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का नेक्स्ट लेवल। तो सॉरी भाई, गलती हो गई, अब क्लियर कर दिया है। और तो डेडपूल के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, साथ ही साथ वो एक डेडली असैसिन है, वेपन मास्टर भी है, और हर डिसीज़ से इम्यून है, ये बताना मैं भूल गया था, और साथ ही साथ इमॉर्टल है, मतलब कि सर्वगुण संपन्न है अपना डेडपूल। तो अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में फाइट होगी तो कौन जीतेगा। तो घोस्ट राइडर की जो सबसे बड़ी पावर है पेनेंस स्टेयर, तो अगर आप कहेंगे कि घोस्ट राइडर डेडपूल को अपनी इस पावर की वजह से हरा सकता है तो आप गलत है, क्योंकि एक स्टोरी लाइन में डेडपूल ने रेजिस्ट कर दिया था उसकी पावर को, मतलब उसकी पावर का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। बट 50% चांसेस होते हैं कि पेनेंस स्टेयर डेडपूल पे काम करेगी या नहीं करेगी, मतलब कि घोस्ट राइडर के पास भी 50% चांस है कि वो जीतेगा या नहीं जीतेगा। और डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स में डेडपूल ने घोस्ट राइडर को सस्ते में निपटा दिया था, तो मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि अगर घोस्ट राइडर पेनेंस स्टेयर नहीं यूज़ कर पाया तो डेडपूल उसे 100% मार देगा, और ये भी नहीं है कि उसकी पेनेंस स्टेयर से 100% चांसेस है कि डेडपूल मर जाए। आप लोग अभी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो चुके होंगे, तो मैं क्लियर कर दूं कि 50-50% चांसेस है कि डेडपूल जीतेगा या घोस्ट राइडर जीतेगा। तो आप कुल मिला के कह सकते हो कि ये मैच एक तरह से टाई है, और आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है,
मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, तो पोल में पार्टिसिपेट करके बताओ, कमेंट करके बताओ कि कौन जीतेगा, और नेक्स्ट बैटल वीडियो किस पे चाहिए वो भी कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को बेल आइकन भी प्रेस करो, और उसके बाद वीडियो को शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज्वाइन कर लो मुझे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये स्टोरी और स्क्रिप्ट ही वापस से आयुष गौतम भाई ने दी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उनसे मिल सकते हो अगर मिलना चाहो तो। और आज की वीडियो में बस इतना ही, स्टे एट होम, बी अ सुपर हीरो।